दोस्तों मैं गुरविंदर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बासचक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों आज जो मैं घर दिखाने जा रहा हूं एक अफोर्डेबल प्राइसिंग या फिर बजट होम के अंदर आपको एक लग्जरी डिज़ाइनर विला आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि डबल स्टोरी है, 4 BHK है। तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और बिल्कुल बजट के अंदर आप एक अपना घर देखना चाहते हैं और वो भी एक फ्लैट के रेट के अंदर, तो घर आज का जो है बिल्कुल आप ही के लिए होने वाला है। और इसके अलावा जो घर का आपको फ्रंट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा जो कि 21 फिट का फ्रंट है, जो कि बहुत रेयर होता है कि हमें अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर मिलने वाला होता है। और अगर आप इस घर का अगर एक फ्लोर आप रेंटल भी करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा इजी रहेगा, कॉलेजेस आपके आसपास रहेंगे। घर आपको बिल्कुल चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे मिल जाएगा जो कि चंडीगढ़ से महज आपका 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधा घर के पास चलते हैं, फ्रंट भी देखते हैं और सारी वीडियो शुरू करते हैं। चलते चलते हम सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे और वीडियो में बने रहिए। मुझे इतना यकीन है आप पूरा घर देखने के बाद आपको ये घर पसंद ज़रूर आएगा और शायद यही आपका अपना घर होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ठीक आपके सामने आपके घर का खूबसूरत सा फ्रंट जो कि 21 फीट के अंदर आपको मिल जाता है और इस 21 फीट के अंदर बहुत सारे काम किए और बहुत बड़े इत्मीनान से यहाँ पर काम किया आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी नज़र आता हूँ आपके मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर जो कि आयरन का है, काफ़ी बड़ा भी और हैवी भी है। और ठीक इस आयरन के गेट के साथ ही आपको यहाँ पर जो वॉल नज़र आएगी, यहाँ पर पूरा का पूरा टाइल वर्क आपको नज़र आएगा। बड़ी सी विंडो है, इसके साथ आपको लैंप्स यहाँ पर लगे नज़र आ जाते हैं। और इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए सामने की तरफ जो है छोटा सा गार्डन यहाँ पर मेंटेन किया है। तो आप ध्यान से देखें कि 21 फीट का फ्रंट और छोटा घर हो तो उसके अंदर गार्डन हमने बहुत रेयर हम लोग का अभी तक शायद देखा होगा, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और ऐसे जब हम ऊपर की तरफ नज़र घुमाते हैं तो बालकनी में जो आपको रेलिंग है वो आपको पूरी नज़र आएगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी बड़ी रेलिंग आपको मिल जाती है। आयरन की पूरी एक स्ट्रॉन्ग रेलिंग मिलेगी, उसके अलावा जो ऊपर है पूरा प्लास्टर के अंदर एक अच्छा पैटर्न आपको मिल जाता है जो आपके घर की लुक्स को ड्यूल लुक भी बनाता है और बड़ी अच्छी लुक बना देता है। बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का विला जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली वैसी चीज़ आपको मिल जाती है। और 4 बेडरूम को इतनी अच्छे तरीके से बनाया गया है कि बात बिल्कुल अलग ही है। यहाँ पर ऊपर नीचे पूरा कवर किया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे इसको ओपन करते तो आपका जो है 2-व्हीलर की पार्किंग यहाँ पर आ जाती है, जहाँ स्टेयर्स जो है आपकी बिल्कुल अंदर से हमने बाहर से हमने बनाई है और सेकेंड फ्लोर तक बनाई है। तो डबल फ्लोर हम आपको बनाकर दे रहे हैं, ग्राउंड और फर्स्ट। और इनकेस अगर आप सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो स्टेयर्स ऑलरेडी हैं, आप कभी भी ऊपर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ठीक यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस जो है जिसके ऊपर अगेन आप देखेंगे कि टाइल वर्क आपका पूरा आपको मिलने वाला है जो कि वुडन डिज़ाइन के साथ ही एक अच्छी प्रीमियम लुक जो होती है वो पूरी आती है। यहाँ पर डिज़ाइनर विला वाली जो बात होती है ना वो पूरी मिलने वाली है आपको। और दोस्तों बता देता हूँ घर जो है आपका 21x34 का है जो 76 गज बनता है, लेकिन डबल स्टोरी पूरा कवर करते हुए इसको 1400 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर कवर किया गया है। तो ठीक यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस जो कि वायर मैश आपको मिलने वाला है, वुडन है। चलिए ओपन करते हैं और इसके साथ हमारा आ जाता है ड्यूल टोन के अंदर मेन एंट्रेंस डोर जो कि फ्लश डोर है, ड्यूल टोन दिए हुए हैं और एक अच्छा हैवी डोर लग रहा मुझे ये। हैंडल भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए ओपन करते हैं और बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो है दिल की खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है 16x10 की जगह है, एक अच्छा एरिया को अच्छे तरीके से डिज़ाइन जैसे किया जाता है वो आपको बिल्कुल सामने है। तो सबसे पहले जो हमने विंडो बाहर से देखी थी, यहाँ से पूरी लाइट पूरे घर के अंदर आती है, इस चीज़ की कमी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली और ये लाइट जो है पूरे घर के अंदर आएगी। इसके अलावा जो आपकी फ्लोरिंग है वो सारी आपकी जो 4x4 बैटरी 5 टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिनकी लुक्स भी है वो बिल्कुल अलग आपको मिलने वाली है। और सेम जो हमारे 14x10 का आपका जो डाइनिंग एरिया है इसके साथ ना सेम आपको जो है ऊपर सीलिंग मिल जाती है और सीलिंग में आप देखेंगे कंसील लैंप्स पूरे प्रॉपर लगे हैं। इसके अलावा झूमर को भी यहाँ ऑलरेडी लगा दिया गया है। आपका आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पर हमने ख़त्म कर दिया है, आपने सिर्फ सिंपली अपना फर्नीचर लेकर आना है और कुछ भी नहीं, बाकी काम तो हम आपका अपने आप कर देंगे। तो एक शानदार वॉल पेपर आपको यहाँ पर मिलता है जो कि पूरा 16 फिट का यहाँ से वहाँ तक आएगा और इसके साथ आपको जो है लैंप्स आपको मिल जाएंगे वॉल के ऊपर जो इस वॉल पेपर की और इस वॉल की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और यही नहीं है, हमने आपके इस ड्राइंग एरिया को कंप्लीट किया है आपके टीवी पैनल के साथ जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ के अंदर, ड्यूल टोन के अंदर इसको भी बनाया गया है। और यहाँ भी ध्यान रखा है कि इसके अंदर कंसील लैंप्स लगाए जाए ताकि इसकी जो लुक है वो भी अच्छी रहे। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्टोरेज भी इसके अंदर दी है क्योंकि छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर पड़ी रहती हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो आपके पास ड्रॉर्स हैं तो आप इजीली कोई भी चीज़ है वो आप अंदर कर सकते हैं और टीवी लगाएं ना लगाएं लेकिन इसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। इसके ऊपर अगेन हमने एक छोटा लैंप यहाँ पर लगाया वॉल के ऊपर ताकि अच्छा लगता रहे और ड्राइंग एरिया आपका।
और ठीक आपके डाइनिंग एरिया वाली जगह पर आपके सामने जो है आपका किचन आ जाता है यहाँ पर, जो कि एल शेप के अंदर हमने डिज़ाइन किया है और ड्यूल टोन यहाँ पर रखा है लाइट और डार्क शेड के अंदर। और आप देखेंगे इसका अगर काउंटर की तरफ मैं ध्यान दूँ तो एक अच्छा लुक आपको मिल जाएगी यहाँ पर टाइल की, जिसके ऊपर आपको स्ट्रिप डिज़ाइन के अंदर आपको टाइल्स मिल जाएंगी, जो कि रेयर होता है आपको देखने में मिले। और अगेन हमने जो ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं वो सारे ग्रे कलर के अंदर हमने डिज़ाइन किए, जो कि लाइट शेड्स हैं, और सारे के सारे डबल लैमिनेशन रखी हुई है। हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ पर बीच में मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी नीचे वाले आपके ड्रॉर्स हैं वो सारे आपके स्टील के साथ आपको मिलेंगे, और काफ़ी हैवी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और प्लस आपकी यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो मिल जाएगी जो हमने बाहर से देखी थी, और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी पूरा आता है। और प्लस यहाँ पर डबल सिंक आपको मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है, इजीली आप जैसे भी अपने यूटेंसिल्स धोना चाहते हैं बहुत आराम से धो सकते हैं। अगेन आपके पास जो है कैरी होते हैं, अगेन यहाँ पर आपके बड़ी सी कैबिनेट, तो स्टोरेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, मैक्सिमम स्टोरेज आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी कमी नहीं है आपके किचन के अंदर। तो बड़ी किचन का फ़ायदा होता है कि आपका जो है सामान पूरा और प्रॉपर आता है, इसके अलावा जितनी चीज़ें होती है बहुत आराम से आती है। 12 फीट की किचन है आपकी, 12x8 की, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मैं कहूँगा इस साइज़ के हिसाब से। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो एंटर करते ही दोस्तों हमारे सामने जो है यहाँ पर एक अच्छा सा वॉलपेपर आपको पूरा नज़र आएगा, और जिस वॉलपेपर की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने एक वॉल माउंट किया है आपका टीवी पैनल, और जो ड्यूल टोन के हैं अंदर है। और प्लस यहाँ पर अंदर आपको कंसील लैंप्स मिल जाएंगे, प्लस स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ तक नहीं, हमने हर रूम के अंदर या हर जगह आपको लैंप्स की प्रोविज़न यहाँ पर दी है, लैंप्स आपको पूरे लगाकर हम दे रहे हैं ताकि जो लुक्स है आपके रूम की वो पूरी प्रॉपर रहे। और प्लस इसी शेड के अंदर जो है आपका वार्डरोब आपको मिल जाएंगे जो कि सीलिंग की हाइट तक रहने वाली है, और प्रॉपर स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मैक्सिमम स्टोरेज है यहाँ पर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कितना सामान आएगा या नहीं आएगा, जैसा भी सामान हो आपका, जितना भी सामान हो सारा का सारा अंदर ही आने वाला है। डबल लेमिनेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है, स्लाइडर डोर्स आपको पूरे मिलने वाले हैं यहाँ पर। आपके स्टोरेज के अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस बेडरूम में भी आपका 10x10 का बेडरूम होगा, जहाँ पर एक बड़ी सी विंडो आपको मिल जाएगी, और स्पेस यहाँ पर रखी है आपके विंडो एसी के लिए, कूलर के लिए, और इन केस आपको लगाना अपना स्प्लिट एसी उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न है। तो हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है, तो यहाँ पर कोई चीज़ कमी ना हो इसलिए हर चीज़ को यहाँ पूरा दिया गया है। और ठीक यहाँ पर जो है आपका लुकिंग मिरर, जहाँ पर हमने छोटा सा लैम्प भी लगा दिया है ताकि आपके ऊपर जो रोशनी है वो पूरी पड़े स्टोरेज के साथ। और वॉशरूम जो दोस्तों मिलने वाले हैं आपको सारे अटैच मिलने वाले हैं, और एक अलग रूक्स के साथ यहाँ पर मिलेंगे। सीलिंग की हाइट तक आपको पूरी प्रॉपर टाइल यहाँ पर मिलने वाली है, और एक अच्छा साइज़ तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में क्वालिटी जो है वो पूरी मिलती है। प्लस जो आपकी जितनी भी सैनिटी आप देख रहे हैं एक अच्छे लेवल की आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है। तो घर छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे डिज़ाइन के साथ हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी मिलती है। तो दोस्तों ठीक इसके साथ ही हमारा सेकेंड बेडरूम, जो कि अगेन सेम साइज़ का आपको मिलने वाला है, और एंटर करते हैं हमारे पास जो है अगेन वैसी जगह आपको पूरी मिलती है, जहाँ सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलेगा, जहाँ कंसील लैंप्स आपको मिलेंगे, और ठीक आपके बेड की बैक पे ऊपर यहाँ जो है यहाँ पर एक अच्छा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा जिसकी लुक्स बिल्कुल अलग है। लैंप हमने यहाँ पर भी अगेन लगा दिया है। उसके बाद जो आपका सामने की तरफ है बेड के सामने बिल्कुल आपका टीवी पैनल, जो एक अच्छे लेवल के ऊपर लगा हुआ है। अगेन हमने यहाँ पर जो है कंसील लैंप्स प्लस ऊपर एक लैंप जो है वॉल लैंप को पूरा प्रॉपर लगाया है। और जो हमने वार्डरोब है सेकंड बेडरूम में भी पूरी और प्रॉपर दी है, जो कि सीलिंग की हाइट तक है, क्योंकि हमें पता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास जो सामान होता है बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, उसको स्टोर करने के लिए जगह भी काफ़ी चाहिए होती है। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी और प्रॉपर होने वाली हैं। प्रॉपर आपको वार्डरोब मिलेगी जहाँ पर स्टोरेज आपके पास पूरी होगी। इसके अलावा छोटे ड्रॉर्स हमने आपको दिए हैं, प्लस लुकिंग मिरर आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा ड्रेसिंग के साथ। तो एक कंप्लीट वार्डरोब। और जो वॉशरूम है अगेन आपका जो यहाँ पर होगा वो आपका अटैच मिलने वाला है। तो कलर्स आप जितने भी देखेंगे हर रूम के अंदर आपको अलग नज़र आने वाला है, बिल्कुल अलग काम यहाँ पर नज़र आएगा आपको। तो जब चीज़ दिल से बनाई जाती है तो वहाँ पर कमियाँ कभी नज़र नहीं आती, होती ही नहीं है।
तो ठीक, इसके साथ जो है हमारे बेडरूम के साथ आपको एक दरवाज़ा मिल जाएगा और खिड़की है। तो वॉशिंग एरिया में आपके पास जो जगह है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, इजीली वॉशिंग क्लोथिंग आप पूरी कर सकते हो। ऊपर हमने पूरा ओपन रखा है ताकि जो लाइट है वो पूरी प्रॉपर आपके घर के अंदर आए। दोनों तरफ विंडोज़ आपको मिल जाती है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं तो लाइट है और वेंटिलेशन है पूरे घर के अंदर बना रहे, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया। तो वापस चलते हैं अंदर की तरफ। और दोस्तों जो लोकेशन है आपकी काफ़ी एप्रिसिएशन वाली लोकेशन है, क्योंकि चंडीगढ़ से अगर आप जाते लुधियाना की तरफ तो आपके रास्ते में आते हो चंडीगढ़ से महज 6-7 किलोमीटर के अंदर आपको घर आपका मिल जाता है। और यहाँ पर एप्रिसिएशन इतनी अच्छी है कि आपके घर के आसपास कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं इजीली। आप जिस दिन टूलेट ऊपर रखेंगे उसी दिन आपको टेनेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और अच्छी रेंटल इनकम यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों रेलिंग आपको बाहर की तरफ मिलेगी जो कि स्टेनलेस स्टील की होगी, और जितने भी नीचे आपको टाइल मिलेंगी वो सारी ग्रेनाइट मिलने वाले हैं, मावक ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हम पहुँचते हैं बिल्कुल अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और हमने जो स्टेयर्स है आपकी वो ऊपर तक बनाई है ताकि आप ऊपर जो है कभी भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सामने की तरफ जो है आपको विंडो यहाँ पर नज़ारा समझ आएगा, और इसके ऊपर जो पैटर्न जो हम नीचे से देख रहे थे बिल्कुल अलग ही लुक्स के साथ आपको मिल जाता है अगर ऊपर की तरफ भी देखें। और बड़ी विंडो, उसके अलावा जो आपकी बालकोनी है वो आयरन की मिल जाएगी यहाँ पर जो हम नीचे से देख रहे थे। तो कुल मिला के जो लुक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से के साथ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ। यहाँ भी आपको वायर मैश डोर पूरा प्रॉपर मिलेगा। और एंटर करते हैं हमारे पास पहले यहाँ पर एक तरफ किचन हमारी आ जाएगी जो कि एल शेप में है। नीचे जैसी थी हमारी किचन थी उससे थोड़ा सा कम साइज़ आपको मिलेगा, लेकिन एक प्रॉपर साइज़ आपको मिलेगा। 6x8 की किचन आपको पूरी मिलती है जो कि ग्रेट डिज़ाइन के साथ आपको मिलेगी। लुक्स यहाँ पर भी पूरी प्रॉपर आपको मिलती हैं। स्टोरेज आपके पास पूरी होगी, कैबिनेट्स यहाँ पर भी मिलेंगे। यूजली हमने देखा जब ऊपर वाला एरिया बनाया जाता है तो वहाँ पे कैबिनेट्स नहीं बनते, लेकिन यहाँ पूरे प्रॉपर बनाए गए हैं। डबल सिंक आपको यहाँ भी पूरा प्रॉपर मिलेगा, और एक कंप्लीट किचन जो होती है वो पूरी मिलेगी। और उसके बाद हमारा आया था यहाँ पर ड्राइंग एरिया जो कि 12x10 की स्पेस है। इजिली आप 5 सीटर लगाना चाहते हैं तो बहुत आराम से यहाँ लगा सकते हैं। सीलिंग पर काम यहाँ कम्प्लीट मिलेगा। आपके जो है जितने भी आप देख रहे हो ऊपर लैंप्स आपके लगे हुए हैं ये एज इट इज़ ही आपको मिलने वाले हैं, हम ये उतारेंगे नहीं। तो लुक्स आपको पूरी मिलेगी आपके घर की। बड़ी सी विंडो आपको पास के सामने की तरफ मिलेगी ताकि लाइट आपके घर के अंदर पूरी आए। अगेन हमने ऊपर भी आपका जो है टीवी पैनल इसे ही एज इट इज़ बनाया है, तो चीज़ें नीचे जैसे हमने देखी थी वैसे ही ऊपर मिल जाती हैं। और ख़ास चीज़ एक ये कहूँगा कि आपके घर से जो IT पार्क मोहाली है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर है। तो एप्रिसिएशन तो हर तरीके से आपको अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। मानते हैं हम मिडिल क्लास लोग हैं, एप्रिसिएशन के पीछे ज़्यादा नहीं भागते क्योंकि हमने बेचना नहीं होता, हमने रहना होता है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली होती है कि हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं वो जगह एप्रिशिएट कर रही है। तो दोस्तों ऊपर आपके पास जो बेडरूम है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लोकेशन, आपको जगह एरिया मिल जाएगा, और फ्लोरिंग आपको सारी की सारी वुडन डिज़ाइन के अंदर टाइल आपको मिलने वाली है। वार्डरोब आपकी सीलिंग की हाइट तक मिलेगी। आपके हमने अभी तक तीसरा बेडरूम जो हम अभी देख रहे हैं इस घर का, तीनों में वुडवर्क पूरा और प्रॉपर मिलता है। सीलिंग पर एक अच्छा काम आपको पूरा मिला हुआ मिलेगा है, और प्लस आपके बेड की जो बैक है उसको और शानदार बनाने के लिए आपको जो है वॉलपेपर यहाँ पूरा प्रॉपर मिलेगा। और अकेला वॉलपेपर नहीं है, यहाँ पर हमने लैंप भी आपको हर जगह दिए हैं ताकि आपका जो वो बेडरूम है उसकी लुक्स हमेशा बड़ी रहे और अच्छी रहे, आपको हर बार उसके अंदर जाने का मन करे। तो दोस्तों ठीक, यहाँ पर अटैच वॉशरूम हमें यहाँ मिल जाएगा। सीलिंग की हाइट तक टाइल्स आपको मिलने वाली है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि हर जगह आपको कलर्स जो है वो बिल्कुल अलग मिलने वाले हैं, अलग लेवल का काम यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्रीमियम काम जो होता है वो बिल्कुल आपको बजट के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है विंडो जो हमारी बाहर की तरफ ले जाती है, और ये हमने नीचे की तरफ सारी जो है ग्रिल लगाई हुई है ताकि ईजिली आप मूव कर सकें और यहाँ पर इस जगह का पूरा मज़ा ले सकें, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सामान रखना होता है, आना जाना होता है, तो वो काम आप यहाँ पर पूरा कर सकें इसलिए हमने यहाँ पर ये काम किया है, क्योंकि हवा वेंटिलेशन सबको चाहिए। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं रेंटल की तो यहाँ पर इजीली आपको एक फ्लोर से 12 से 15 हज़ार तक का रेंट बहुत आराम से मिल जाता है। तो घर की काफ़ी हद तक EMI जो होती है आपकी वहीं से चुकता हो जाती है। तो और यहाँ पर जो है आपका सेकेंड बेडरूम, और सेकेंड बेडरूम को भी वैसे ही डिज़ाइन किया जैसे हमने नीचे देखा था,
तो प्रॉपर चारों बेडरूम के अंदर आपको एक अच्छा डिज़ाइन है पूरा प्रॉपर मिलता है। हर बेडरूम के अंदर हमने जो है आपको वार्डरोब पूरी दी है जो कि सीलिंग की हाइट तक है, ताकि स्टोरेज जो है वो पूरी प्रॉपर रहे, आपकी कोई कमी ना आ पाए। और इसके अलावा हर बेडरूम के अंदर आपको जो है टीवी पैनल जो है वो हमने पूरा दिया है यहाँ पर, कंसील लैंप्स, इसके अलावा प्रॉपर लैंप्स आपको जो वॉल के ऊपर वो लगा कर दिए हैं। हर बेडरूम में, हर रूम के अंदर आपको जो है सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन पूरा प्रॉपर मिलेगा। विंडोज़ आपको बड़ी बड़ी पूरी मिलने वाली हैं हर जगह पर। तो काम जितना है वो पूरा और प्रॉपर है, वहाँ पे कमी कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आप आओगे तो आप वो काम करोगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। आपके लेवल के लिए हर तरीके से हर चीज़ को पूरा रखा गया। और वॉशरूम आपके हर जगह अटैच रहने वाले हैं और हर जगह एक अच्छी फिनिशिंग आपको पूरी यहाँ नज़र आती है। तो 4 बेडरूम पूरे प्रॉपर मिलेंगे, 4 वॉशरूम आपको पूरे मिलेंगे। इसके अलावा 2 आपको हॉल मिल जाते हैं, 2 किचन्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट पैकेज है एक। तो दोस्तों मैं आपको रूफ भी यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आसपास के घर जो है वो काफ़ी बन चुके हैं, खाली एरिया नहीं है। क्योंकि कई बार होता है लोगों के मन के अंदर डाउट होता है कि हम जिस जगह पर रहने जा रहे हैं वहाँ पर जो एरिया वो ऐसा तो नहीं कि खाली है या फिर हम अकेले ही होंगे वहाँ पर, तो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। एक अच्छा व्यू आपको घर के आसपास ज़रूर मिलेगा, ग्रीनरी आपको आसपास ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों और यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी स्टेयर्स है जो आपकी ऊपर 2nd फ्लोर तक हमने यहाँ पर बनाई हैं, और इनकेस इसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आधा काम हमने कर दिया, बस हमने दीवारें ऊपर खड़ी करनी और लेंटर डालना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 76 गज के अंदर बना हुआ है, 1400 स्क्वायर फीट यहाँ पर कवर किया गया लेंटर एरिया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। घर के बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर के ऊपर, और कोई सुझाव है हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। घर कैसा लगा ये भी ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों इस वादे के साथ फिर मिलेंगे एक और ऐसे खूबसूरत घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।